अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल थर्ड ईयर आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है जो कि डिजिटल लॉजिक गेट्स के बारे में है। डिजिटल लॉजिक गेट्स जो ये बेसिक टूल्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, और इनका हमें नाम से ही पता होना चाहिए इसको लिखते कैसे हैं, और इसका सिंबल पता होना चाहिए, इसका अल्जेब्रिक फंक्शन पता होना चाहिए यानी फार्मूला इसका पता होना चाहिए, और इसके बाद इसका ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। ट्रुथ टेबल से मुराद ये है कि इसके इनपुट आउटपुट के दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे बेसिक आठ गेट्स हैं हमारे, इसमें एंड है, नैंड है, और है, नॉर है, और इन्वर्टर है, बफर है, एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव नॉर है, और ये हमारे पास नैंड और नॉर, ये हमारे पास आठ बेसिक हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं। और हमारे पास जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं वो सारे इन्हीं लॉजिक गेट्स से मिलकर बनते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, A N D लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, कभी भी स्मॉल जो अल्फाबेट्स यूज नहीं करेंगे। उसके बाद ये इसका सिंबल है जो कि यानी एलोंगेटेड यानी जो है वो डी है, डी से मिलता जुलता। ये इस तरफ इसके लेफ्ट साइड पर इसके इनपुट दिखाए जाते हैं और ये इसका आउटपुट है। एक्स वाई इसके दो इनपुट नहीं है, तीन इनपुट का भी हो सकता है, चार इनपुट का भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे दो इनपुट का हम लेके देखते हैं कि इसका क्या रिलेशन बनता है। और तीसरा इसका कॉलम है अल्जेब्रिक फंक्शन। तो इसका जो इसका अल्जेब्रिक फंक्शन है वो एफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यानी ये इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है, एंड ऑपरेशन इसको कहते हैं, यानी एंडिंग का मतलब होगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रुथ टेबल इसका ये जो लाइन है इसके एक तरफ इसके इनपुट्स हैं, एक्स और वाई इसके इनपुट्स हैं, और एफ इसका आउटपुट है। और ये दो बिट का ट्रुथ टेबल जब बनेगा तो उसके चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब भी दो बिट का बनेगा उसके चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, तीन बिट का होगा तो उसके आठ कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 0 0 0 1 1 0 1, अब देखें 0 × 0 हमें पता है, हम इसे पहले कर चुके हैं कि 0 × 0 0 0 × 1 0 1 × 0 0 1 × 1 1। ये जैसे कि हमने पहले बाइनरी एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में सबट्रैक्शन हमने की थी उसमें हम ये इसको देख चुके हैं, सिंपल है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो रिजल्ट ये है कि एंड गेट का जो है आउटपुट जब ऑल इनपुट्स हाई होंगे तो हमें हाई मिलेगा, एंड गेट का एक भी इनपुट लो होगा तो हमें आउटपुट लो मिलेगा। इसलिए व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई द आउटपुट इज हाई, ये पहला हमारा लॉजिक गेट है। नेक्स्ट वन इज द और पे ये सिंबल है जिसके ये इनपुट्स हैं ये आउटपुट्स हैं, एक्स इसका एक इनपुट है, वाई इसका दूसरा इनपुट है, एफ इसका आउटपुट है, और ये एडिंग करता है यानी इनपुट्स को ये ऐड करता है, एक्स प्लस वाई करता है। उसी तरह हमारे पास जो है दो बिट्स के कॉम्बिनेशन चार बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, अब ये ऐड करता है। तो 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1, हमने कहा था कम्यूटेटिव है ये। उसके बाद 1 + 1 भी 1 है, तो इसका जब एक इनपुट भी हाई होगा तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा, एक इनपुट भी जो है और गेट का हाई होगा तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द इन्वर्टर। इन्वर्टर जैसा कि इससे नाम से जाहिर है कि ये उलट करता है, यानी एक्स अगर इसका इनपुट है तो एफ इसका आउटपुट है, एफ इज इक्वल टू एक्स बार या एक्स कॉम्प्लीमेंट हम इसे कहते हैं, यानी अगर हमारा x इनपुट हमारा 0 है तो आउटपुट 1 होगा, या आउटपुट या हमारा इनपुट 1 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, इसको 0 कर देगा। तो ये हमारा इन्वर्टर है। नेक्स्ट वन इज द बफर। बफर जो है इसका x इनपुट है और इसका f इसका आउटपुट है, इसमें फर्क क्या है? इन्वर्टर बफर में बिल्कुल सेम सिंबल है, इसमें ये बबल है, इसमें बफर में बबल नहीं है। गोया के जो इसका इनपुट है वही इसका आउटपुट है, 0 इसका इनपुट है, 0 इसका आउटपुट है, अगर 1 इसका इनपुट है 1 ही इसका आउटपुट है, ये उसको चेंज नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद हमारे पास जो अगला गेट है उसको हम कहेंगे नैंड गेट। उसी तरह हमने जैसे पहले भी कहा इसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखेंगे। ये इसको यूं भी कह सकते हैं एंड नॉट, ये देखिए यहाँ बबल लगा दिया एंड गेट को तो ये नैंड बन गया। इसी तरह इसके दो इनपुट्स लेफ्ट साइड पे और इसका जो है राइट साइड में इसका आउटपुट एफ, तो ये क्या करते हैं ये क्या करेगा एंड को पूरे के पूरे एक्स वाई जो पूरे का पूरा हमारा एंड गेट में आ रहा था उस पूरे के पूरे को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी इसका ट्रुथ टेबल एंड गेट के बिल्कुल अपोजिट होगा, इसका जो ट्रुथ टेबल है वो एंड गेट के अपोजिट होगा। अब देखें इसमें 0 × 0 = 0 होता है, लेकिन इसका यहाँ पे आंसर इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1 आएगा, 0 × 1 0 होता है लेकिन इसे कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा,
वन इंटू जीरो जीरो होता है, लेकिन हमारा कॉम्प्लीमेंट वन है, तो वन इंटू वन वन होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जीरो है। इसका मतलब है कि जब इसका एक इनपुट भी हाई होगा, एक इसके दोनों इनपुट जब हाई होंगे तो हमें लो मिलेगा, इसके दोनों इनपुट जब हाई होंगे तो हमें लो मिलेगा, अदरवाइज हमें हाई मिलेगा, अदरवाइज हमें हाई मिलेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो छठा गेट है उसको हम कहते हैं नॉर। उसी तरह और नॉट, और के साथ हमने बबल लगा दिया, और गेट हमने पहले बनाया था, ये बबल लगा दिया, ये इसके इनपुट्स हैं एक्स वाई और ये इसका आउटपुट है। इसी तरह ट्रुथ टेबल एक्स वाई इसके इनपुट्स हैं, दो बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाया, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अब ये क्या करेगा, ये और को कॉम्प्लीमेंट करेगा, हमने कहा था और जो है वो एक्स प्लस वाई है, अब इसको पूरे कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जीरो प्लस जीरो जीरो होता है यहाँ वन होगा, जीरो प्लस वन वन होता है यहाँ जीरो होगा, वन प्लस जीरो जीरो वन प्लस वन वन होता है यहाँ जीरो होगा, वन प्लस वन वन होता है लेकिन यहाँ पे जीरो होगा। उसके बाद ये गेट्स बाद में किसी न किसी दर्जे में फर्स्ट ईयर में भी पढ़े, मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, लेकिन ये दो गेट्स ऐसे हैं जिनसे आमतौर पर फेमिलियर नहीं होते, उनका हमारे पास प्रैक्टिस में बहुत यूज है और आगे भी हम इनको यूज करेंगे। इसका नाम है एक्स और, इसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और। इसमें एक गर्व हमने और गेट में हमने एक गर्व हमने वो ड्रा किया है तो ये एक्सक्लूसिव और गेट बन गया। ये इसके इनपुट से उसी तरह एक्स वाई और इसका आउटपुट है। इसका जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा, इसका जो फार्मूला होगा, दैट इज इक्वल टू ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, पहले जो है पहले का कॉम्प्लीमेंट इनटू वाई प्लस पहला उसी तरह और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको जब पुट करेंगे, इसकी वैल्यू में पुट करेंगे, ये इनपुट देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो 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 वन 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 जीरो वन और वन वन जीरो। इसका हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर हमारे इनपुट सेम होंगे एक्सक्लूसिव और में, अगर हमारे इनपुट सेम होंगे तो हमें लो मिलेगा, अगर इनपुट सेम होंगे तो हमें लो मिलेगा, अगर अपोजिट होंगे या डिफरेंट होंगे तो हमें वन मिलेगा। ये एक्सक्लूसिव और हो गया। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज द एक्सक्लूसिव नॉर, एक्स नॉर जिसको हम कहते हैं, एक्स नॉर कहेंगे, और ये और के साथ हमने एक बबल, एक्सक्लूसिव और के साथ हमने एक बबल लगा दिया तो ये बन गया एक्सक्लूसिव नॉर। ये जो है उसके अपोजिट है, इसमें ये भी उसी तरह सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, लेकिन पहले दोनों टर्म उसी तरह एंड हो रही है, एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये इसका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। और इसका जो ट्रुथ टेबल है उसी तरह यहाँ पे इनपुट्स और ये आउटपुट्स जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अब इसके अपोजिट है, देखिए यहाँ हमारे पास सेम इनपुट्स थे तो हमें लो मिल रहा था, यहाँ सेम इनपुट्स हैं तो हमें हाई मिल रहा है, और ये उसके जो है इसके अपोजिट है। एक्सक्लूसिव और जो है एक्सक्लूसिव नॉर आपस में कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, इनको हम अच्छी तरह समझेंगे, इनको हम बार बार इनको हम लिखेंगे ड्रा करेंगे उससे पर इनका बनाएंगे, अच्छी तरह फेमिलियर होंगे तो हमारा आगे जितने भी चाहे हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, चाहे हमारे काउंटर्स हैं, चाहे हमारे शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, तमाम में हमारे लॉजिक गेट्स हैं वो यूज़ होते हैं। इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।